हम मूल निवासी विद्यार्थी संघ की तरफ से पूरे देश में कलेक्टर को ये निवेदन दे रहे हैं। तो नागपुर में भी आज हम ये निवेदन दे चुके हैं कलेक्टर ऑफिस में। हम इस निवेदन के माध्यम से कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं। सबसे बेसिक मुद्दा ये है कि 4 साल के लिए अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के लिए स्टूडेंट्स को या लोग बच्चों को जो है अग्निवीर बनाया जाए, आर्मी में भर्ती किया जाए। तो सबसे बेसिक सोचने वाली बात यह है कि 4 साल के बाद क्या, 4 साल के बाद उनका क्या, वो मतलब 4 साल की सेवा देने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। ये बहुत ही बेतुकी बात है। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते इसमें बदलाव किया जाए और इसकी एज लिमिट बढ़ाए, क्योंकि साथियों आप जैसे जानते हो एक एनसीसी का भी एक विद्यार्थी कैडेट जो रहता है उसको भी 3 साल वहाँ देना पड़ता है ताकि एक आर्मी की उसके रिटर्न माफ हो सके, उसे कुछ कंजेक्शन मिल सके, वो 3 साल अपने वहाँ पर डालता है, उनकी भी एज उसमें नहीं बैठती है। तो हर चीज़ को देख के एक फिर से एक नियम बनाया जाए और उसमें कुछ बदलाव किए जाए और उसे पूरा चेंज करने की कोशिश की जाए। हम ये सरकार से आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रियंका, हम से भारतीय 4 साल के बाद अगर आर्मी भर्ती को रिटायर किया जाए तो मेरी मांग यह है कि 25% की जगह 100% आर्मी भर्तियां परमानेंट की। जो बच्चे अभी खुद की सुसाइड कर रहे हैं ये अग्निवीर के बाद ये सुनने के बाद, वो इसके जिम्मेदार कौन होगा? काफी बच्चों ने सुसाइड कर चुके हैं अभी तक और बहुत ज्यादा सरकार का भी नुकसान किया है, तो इसको कैसे जान का कैसे भरपाई कर पाएंगी सरकार? इस स्थिति पर नियंत्रण लेने के लिए सरकार ने जल्द से जल्द ये जो कानून बनाया है वो वापस लिया जाए और ज्यादा जान का नुकसान ना हो, हम मांगनी करते हैं। मेरा नाम शेख इश्तियाक, मैं मूल निवासी विद्यार्थी संघ का मेंबर। हम ये बोलना चाहते हैं कि वो भरपाई नहीं हुई है और आपने ये योजना लाज ली है, इसमें आपने 17 साल से 22 साल क्राइटेरिया रखे हो, आगे हम 22 के अभाव चले गए, हम कैसे भर्ती होंगे या हम कैसे इसमें अटे योजना के तहत भर्ती हो सकते हैं? हमें योजना आप इसके योजना के तहत जो कुछ भी कर रहे हो उसे दुरुस्त करने की आपसे गुजारिश है। हम विद्यार्थी संघ निवासी विद्यार्थी संघ की ओर से अग्निपथ अग्निवीर इस योजना के विरोध हम कलेक्टर सर को यहाँ निवेदन देना है, देने आए।